बता। तो भाई ये देखो मनाली आ चुके हैं ना सबसे बड़े, देखो सीन देख रहे हो भाई। ये वैसे है क्या चीज, कौन सी जगह है ये? शिमला भाई, शिमला शिमला। अबे ये जो पीछे चलचे क्या है ये? चलचे भी आएगा, चलचे आए नहीं तो ये किसी का? ओ सॉरी, ये असिस्टेंट या पुलिस का कुछ है? पुलिस, ये पुलिस का है ना? कहता पुलिस का था यार, मैं देखा था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूँ अभी शिमला में, तो सकते भाई मैं अभी रेडी हो गया हूँ। रेडी नहीं कि यही कपड़े पहन लिया सबसे पहली बार, ये बेस्ट है वैसे, देख सकते हो। तो हमने रूम लिया 700 रुपये का, मात ओनली 700 रुपये का। रात को हमने चेक इन किया था, हमने 7 PM 7 बजे रात शाम को तो हमें मिल गया था। तो ये मैं दिखाता रूम। तो भाई अपना रूम सबसे पहले, और जब भी जिस रूम में टीवी कहीं मिला ही नहीं है लो बजट में, तो अपना रूम वगैरह ये है, देख सकते हो। ये यहाँ पे अपना दो इसमें ब्लैंकेट मिले थे, ये ब्लैंकेट नहीं रजाई है, और एक ब्लैंकेट ये था, और ये अपना लैम्प वगैरह ये, और यहाँ का नज़ारा ये है देख सकते हो। यहाँ पे जाली लगी हुई है क्योंकि, और यहाँ भाई बिल्कुल गर्मी नहीं है, बिल्कुल भी, मौसम भी ठंडा है बहुत ज़्यादा, देख सकते हो। ये बर्ड्स वगैरह पूरा ये, और रूम मेरा रूम से नीचे से जाके मात्र, मैंने जो ओनली रूम में निकलने वाला बाहर अभी, तो बाहर अभी आराम से घूम के थोड़ा माल वाल वगैरह घूम के आते हैं। देखते हैं भाई, नहाने का बिल्कुल मन नहीं करता, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा, इतना ठंडा कि नहाने का मन ही नहीं है। और भाई पता नहीं कैसे नहाने का, मुझे ही नहीं पता भाई। मेरा तो अपना फेस वॉश किया भाई, मेरा मैंने कहा मेरे तो हो गया, मेरा तो हो गया भाई, मेरी बस की नहीं है, क्योंकि मैं बद्दी था तो बद्दी में मैंने कर लिया था, पर यहाँ नहीं है, बाकी बता। तो ओके चलो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो चले गए, मैं निकलता हूँ बाहर घूमने के लिए। भाई तो सो गया क्योंकि भाई को ज़्यादा नींद आ रही थी, मैंने कहा ठीक है भाई, मैं तो अपने निकल। दो हज़ार बोल रहा, आप बोलो, मैं जाल दूंगा 700 दूंगा, हम दो बंदे इतना करना। तो ना करते कि 700-800 हज़ार रुपये के अंदर आ जाएगा वो, ठीक है। असिस्टेंट पुलिस लेकर आता है, ऐसे कुछ है इनका। तो अभी चलते शिमला की है माल दौड़ भाई, मज़ा भाई कसम से कहना भाई। एक बार बोलूँ, उत्तराखंड में जो चीज़ नहीं है वो चीज़ यहाँ पे है, सच्ची में कह रहा हूँ मैं। और ये पूरा माल दौड़ यहाँ से वहाँ तक पूरा भाई, जब भी आओगे शिमला मैं कसम कह रहा हूँ, बस से आओ, वहाँ से लिफ्ट लगी पड़ी है आराम से, 10 रुपये की टिकट है, ज़्यादा नहीं, पर बंदे का माल रोड पे घोर आराम से, मस्त एकदम आराम से बढ़िया। अभी हम आगे चलते फिर भाई, अभी तो माल रोड पर आ चुके भाई, बहुत मज़ा रहा कसम से कह रहा हूँ भाई। शिमला तो माल रोड पर बहुत घूमना चाहिए मैं कह रहा हूँ। ये भाई ने तो पता क्या करने का कर रही है, ऐसा दिला दिया कसम से कह रहा हूँ मैं। तो अभी 24 घंटे रूम में थे, फिर उसके बाद चेकआउट करने का फिर हमने करा। फिर अभी चाय पी मैंने, दो दिन चाय नहीं पी, दूसरी चाय चली थी हमारी, इसमें ये था। फिर मैं गाइस शिमला में देख सकते हो, ये अपने आई थिंक मुझे वल्लभ भाई पटेल लग रहे हैं, वल्लभ भाई पटेल। ये मेन चलचा अंग्रेज़ों के ज़माने का, अंग्रेज़ों के टाइम का, जो भी हो, जो चीज़ अंग्रेज बनाए कसम से करो भाई, फेवरेट है आज ही माल और बर्फ। मनाली ज़्यादा नहीं है पर शिमला बहुत ज़्यादा। तो और एक मेन चीज़ और बताता, तो भाई ये हिमाचल का पूरा नज़ारा, पता क्या कैप्चर कितना मेगापिक्सल कैमरा लो, पर लाइव में जो है ना वो कैमरा कितना भी लेंस लो कभी नहीं आएगा, हकीकत बता दो। शिमला और मनाली दो ऐसी जगह है घूमने लायक, जितना प्लेस टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा है। और मैं डेवलप की जो बात करूँ, डेवलप बहुत ज़्यादा यही है, हकीकत बताऊँ तो भाई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मैं कहूँगा मसूरी से तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, मसूरी से बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है भाई। मैं तो थक गया बहुत ज़्यादा, मैं थोड़ा रेश कर रहा हूँ, रेश कर फिर निकलते अपना घूमने के, अपने जितना घूमना घूमने, फिर अपने निकलते हैं रूम पे। कल की टिकट मैंने ऑलरेडी बुक करा ली, सबसे बेस्ट 11-15 की मेरी टिकट है, मैं 8:30 या 9 जब दिल्ली के स्टेशन पर पहुँच जाऊँगा, सबसे बेस्ट लगा। और पता क्या, जब मान लो पे टिकट बुकिंग काउंटर भी है, ऑनलाइन बुक नहीं करा तो ऑनलाइन वैसे बुक हो जाएगा, सबसे बेस्ट लगा मुझे। एक चीज़ बोलूँ, सबसे मेन चीज़ बताइए, शिमला डेवलप पता क्या होता है, अंग्रेजों ने जो डेवलप किया था उस टाइम पे शिमला था, उनका जो हिल स्टेशन था, दो चीन था हिमेश कब्जा के डेवलप हुआ, बाकी शिमला कभी हमें तो गाँव ही रहता, तो अंग्रेजों को कर गए तभी शिमला फेमस हो गया। खाने में अपने ले गए थे दाल और रोटी और चिकन भी हमने रात को खाया था, चिकन बहुत बढ़िया था भाई। तो हमें ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ा, हमें 140 का हमें पड़ा था, 250 ग्राम नहीं 1/4 पड़ा था। कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे जो क्वार्टर मिल जाए ना, वो बस है, दो बस है ओनली बस रात की, उसके अलावा कोई बस नहीं मिली आपको, मॉर्निंग में मिलेगी वॉल्वो, ठीक है। तो हकी बताऊँ तो बाकी एक भी बस टाटा की चलती है, उसके मुझे हिम सेतु के नाम से है, पर वो मज़ा वॉल्वो में नहीं जितना वॉल्वो पर। वॉल्वो का किराया 971 रुपये, उससे नीचे किराया जो है हिम सेतु उसका 200 रुपये कम है, पर वो फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो सुबह निकलते फिर यही है, भाई तो भाई सो गया।
सबसे मेन चीज बताई गई थी, हमने टिकट ऑलरेडी जब माल रोड पे थे, हम टिकट बुकिंग काउंटर था, हमने टिकट बुक करा ली। ये पड़ी दो बंदों की कम से कम 971 रुपए की, 971 सॉरी 942 रुपए की टिकट पड़ी है सर। वैसे ये था, हमने वॉल्व, हमारी वॉल्व बुक हो चुकी है। वैसे ये था तो हमारी जो लास्ट जो मॉर्निंग की जो बस है वो 11:15 की है। 11:15 के बाद सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज गए हैं सुबह के 8, हमारी बस है 11:15 की, तो हमें 1 घंटा पहले निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो फ्रेश फ्रेश हो लेते हैं, तब तक फिर निकलते हैं अपना आराम से, बढ़िया मस्त। जब भी आना भाई, अगर आपने टिकट करा रखी तो आधे घंटे एक्स्ट्रा पहले पहुँच जाओ, बस का पता नहीं होता। जाने की टाइमिंग तो सेम है, आने की नहीं पता। फिर हेलो गाइस, अभी अपनी ना जो हमने रात को जो टिकट ली थी भाई, अपनी बस खड़ी हो गई 1 घंटे। सबसे पहली बात है ना, 1 घंटे पहले यहाँ पे बस जो है खड़ी हो जाती है, तो अपनी बस खड़ी हो चुकी है। बस अपनी थोड़ा मील्स वगैरह ले रहे हैं खाने के लिए, क्योंकि जो ये बस रुकी है चंडीगढ़ से भी दिल्ली के बीच में, हाईवे के बीच में रुकी लंच के लिए, लंच के लिए, दैन उसके बाद सिर्फ दिल्ली। तो अभी हमने मैगी वगैरह बनवा ली, पर मैगी बड़ा टेस्टी नहीं कसम से यहाँ। जो बंदे दिल्ली की जो मैगी बनती है ना भाई, वो अलग ही अल्टीमेट, पर यहाँ पे बिल्कुल मैगी है बिल्कुल मज़ा नहीं है कसम से। अपनी गाड़ी दिखाता है, मैं हूँ टूटी कंडी। आपको बस जो मिलेगी ना, पुराने बस अड्डे कभी नहीं मिलेगी, आपको टूटी कंडी से ही बस मिलेगी। और मैं तो बोलूँगा आप पहले ऑलरेडी जब ना बुक, बस ऑलरेडी बुक करा दी करो, जैसे आपका रिटर्न आपको जब भी जाना सबसे बेस्ट रहेगा। तो मैं ऑलरेडी कल मैं माल रोड पर था, माल रोड पर टिकट बुकिंग काउंटर था, तो मैंने वहाँ ऑलरेडी बुक करा दी थी। तो मैक्सिमम 1950 रुपये जाने का है दो बंदे का। ये